सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। अब रेपो रेट बढ़ाने का और घटाने का क्या फर्क पड़ता है कि हमारे जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा, हमारे लोन का इंटरेस्ट रेट होगा, वो कम होगा या ज्यादा होगा, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, यही हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। देखिए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है जो आरबीआई के पास होती है, और ये एक तरीके का मेजर है जिसके थ्रू मार्केट में कितना पैसा जाना चाहिए, इकोनॉमी में कितना पैसा जाना चाहिए, ये कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये दोनों रेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से आरबीआई ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में बैलेंस बनाता है। तो ये वीडियो भी एक सीरीज का पार्ट है जिसमें हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सीआरआर और एसएलआर के बारे में डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये पूरी होलिस्टिक पिक्चर मिल जाए। आने वाले वीडियोस में भी मैं इसके बारे में बात करूंगा, फॉर एग्जांपल बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम फटाफट रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझ लेते हैं, चलते हैं सीधा ब्लैकबोर्ड की तरफ। हमने अपने लास्ट वीडियो में सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट्स की बात करी थी, एक बार क्विक रिकैप करेंगे। बैंक का हमने देखा था कि किस तरीके से काम चलता है, उसका बिजनेस कैसे चलता है। वो बेसिकली डिपॉजिट्स कलेक्ट करता है या तो कंज्यूमर से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे गवर्नमेंट या आपकी प्राइवेट हो, और इन डिपॉजिट्स को हम डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज के अंदर डिवाइड करते हैं। NDTL इसको हम बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज आपकी होती हैं जो आप ऑन डिमांड पैसा निकाल सकते हैं जब आपका मन करे, जैसे कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में से। टाइम लाइबिलिटीज का मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर। अब NDTL के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि NDTL कैसे कैलकुलेट होता है एग्जैक्टली। अब बैंक के पास ये सारे डिपॉजिट्स आ गए। एक बार मान लेते हैं कि बैंक के जो NDTL हैं वो 100 करोड़ के हैं, तो बैंक इसको लोन की फॉर्म में आगे देगा, तभी उसका काम चलेगा, तभी उसका बिजनेस चलेगा। तो यहाँ पे ये 100 करोड़ के 100 करोड़ लोन में नहीं दे सकता है, उसके लिए CRR और SLR की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं जो RBI रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा था लास्ट एग्जांपल में, लास्ट वीडियो में, कि 4 करोड़, ये जो 100 करोड़ है इसमें से 4 करोड़ तो RBI के पास जमा करना पड़ेगा, बेसिकली 4% ऑफ NDTL। ये होती है आपकी कैश रिजर्व रेशो, दैट मीन्स CRR की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी। और 19.5 करोड़ यानी कि 19.5% ऑफ NDTL SLR की फॉर्म में बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, जिसे हम स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ये आपके लिक्विड एसेट्स होते हैं, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में बैंक को इतना पैसा अपने पास रखना होता है, किसी भी तरीके की कोई क्राइसिस सिचुएशन आए तो बैंक के पास ये हाईली लिक्विड एसेट्स होने चाहिए। तो अब ये सारी रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाती हैं तो बैंक के पास कितना पैसा बचा, 76.5%। तो ये जो 76.5% पैसा है ये लोन की फॉर्म में बैंक दे सकता है आगे। तो ये तो हो गई CRR और SLR की बात। इसके अलावा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए एक और टूल होता है RBI के पास, जिसे हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं, और इसके अंदर हमारे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए बैंक्स को इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा चाहिए, या फिर बैंकों को अपनी CRR और SLR की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। जैसे यहाँ पे हमने 4% और 19.5% की बात करी है, बैंकों के पास लेट से सफिशियंट पैसा खुद के पास नहीं है, तो ऐसे केस में बैंक्स जो है RBI से पैसा बोरो कर सकते हैं और उसके ऊपर उनको कुछ इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसी को हम रेपो रेट कहते हैं। तो मतलब अगर बैंकों ने RBI से कुछ पैसा लिया उधार, तब हम उस केस में रेपो रेट कहेंगे उसको। ऑन दी अदर हैंड, बैंक पैसा दे भी सकते हैं RBI को, लेंड कर सकते हैं, इस केस के अंदर हम इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगर बैंक पैसा RBI को देते हैं तो RBI उनको कुछ इंटरेस्ट देता है, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की फंक्शनिंग कैसे होती है, ये नॉर्मल लोन की तरह फंक्शन नहीं करता है, ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह फंक्शन करता है। अब हम इसका अग्रीमेंट किस तरीके से होता है, किस तरीके से इसका कंसेप्ट काम करता है, ये एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि रेपो रेट आपका इंटरेस्ट होता है जो बैंक RBI को पे करता है, उससे जितना भी पैसा उधार लेता है। इसके अलावा बैंकों को कोलैटरल देनी पड़ती है। अब ये कमर्शियल बैंक अनसिक्योर्ड लोन नहीं ले सकता RBI से, तो इसमें इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
एज कोलेटरल रखनी पड़ती हैं। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, जो भी आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं। अब देखिए, रेपो रेट ऐसा नहीं है नॉर्मल लोन की तरह फंक्शन नहीं करता है, ये बेसिकली रीपर्चेज ऑप्शन होता है। रेपो की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये रीपर्चेज ऑप्शन है और एक तरीके का ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या फॉरवर्ड अग्रीमेंट है बिटवीन बैंक एंड आरबीआई। तो इस केस में क्या हो रहा है कि बैंक एक प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आरबीआई के पास रखवाएगा उनको फ्यूचर में रीपर्चेज कर लेगा। फ्यूचर का मतलब जितना भी रेपो का पीरियड है उस पीरियड के बाद उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेगा एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। अब बात करते हैं रेपो पीरियड की। रेपो पीरियड कितना होगा? जनरली ये ओवरनाइट होता है, एक दिन का रेपो पीरियड होता है, बट आरबीआई ने अभी टर्म रेपोज भी लॉन्च कर दिए हैं तो 7 दिन का ऑन एन एवरेज अगर हम टर्म रेपो की बात करते हैं तो जनरली 7 दिन का रेपो रेट होता है उस केस के अंदर, तो 7 दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलिए अब हम एक बार इसकी फंक्शनिंग देखते हैं कि कैसे होता है ये। तो जैसा हमने यहां पे बात करी कि ये रीपर्चेज ऑप्शन अग्रीमेंट है तो इसके अंदर एक्चुअली सेल एंड परचेज हो रही है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये एक्चुअली एक तरीके का सेल परचेज अग्रीमेंट है। तो ये कैसे काम करेगा, मान लेते हैं कि ओवरनाइट रेपो रेट की अगर हम बात करते हैं तो पहले दिन कमर्शियल बैंक अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो आरबीआई के पास एज कोलैटरल रखवाएगा और जब आरबीआई के पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाएंगी तो वो जितना भी पैसा उसको उधार चाहिए, मान लीजिए 10 करोड़ का पैसा उसको उधार चाहिए तो 10 करोड़ रुपए आरबीआई डिसबर्स कर देगा और यहां पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है ये भी 10 करोड़ की होगी। और सेकेंड डे कमर्शियल बैंक 10 करोड़ पैसे वापस तो करेगा ही प्लस एक दिन का रेपो इंटरेस्ट भरेगा आरबीआई को, उसके बाद आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस कर देगा। तो ये सिंपल सी ट्रांजैक्शन होती है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो कमर्शियल बैंक है ये यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देता है आरबीआई को और वापस खरीदने का वादा करता है और दूसरे दिन उनको प्री डिटरमाइंड रेट पे ये जो 10 करोड़ प्लस रेपो इंटरेस्ट है इस इतने रुपए में वापस खरीद लेता है। तो इसी के लिए हम इसको सेल परचेज अग्रीमेंट कहते हैं या फिर रीपर्चेज ऑप्शन अग्रीमेंट कहते हैं। अब एक बार हम यहां पे देख लेते हैं कि 1 डे का रेपो इंटरेस्ट कितना होगा। तो 10 करोड़ 6.5% के हिसाब से 6.5% पर एनम का रेपो इंटरेस्ट चल रहा है आज की डेट में, हम सितंबर 2008 की बात कर रहे हैं, 2018 की बात कर रहे हैं सॉरी। तो 6.5% के हिसाब से आप 10 करोड़ का एक दिन का इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो ये करीब 17,808 रुपए आ जाएगा। तो 10 करोड़ प्लस 17,808 रुपए इस कमर्शियल बैंक को आरबीआई को देने होंगे एक दिन के बाद। और बाई चांस इस कमर्शियल बैंक ने डिफॉल्ट कर दिया, ये पैसे वापस नहीं करे अगले दिन, तो ऐसे केस में आरबीआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट के अंदर बेच सकता है, इसीलिए यहां पे कोलैटरल का फायदा है, ये एक तरीके का सिक्योर्ड लोन है। तो ये तो हो गई आपकी रेपो रेट की फंक्शनिंग। अब हम एक बार रिवर्स रेपो रेट भी देख लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक के पास अगर कुछ सरप्लस कैश है तो वो आरबीआई के पास जमा कर देता है और आरबीआई उस केस में बैंक को कुछ इंटरेस्ट भरता है, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब इस केस के अंदर भी सेम ही फंक्शनिंग है, यहां पे भी कोलैटरल रखनी होगी, यहां पे आरबीआई कोलैटरल देगा बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में। यहां पे हम जो अग्रीमेंट होगा उसको हम कहेंगे रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन अग्रीमेंट, जो बैंक और आरबीआई के बीच में होगा। बैंक प्रोमिसेस टू रीसेल, यहां पे देखिए रीसेल है, यहां पे ये जो बैंक है ये आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेगा और वादा करेगा कि मैं आपको रीसेल करूंगा एट अ फ्यूचर डेट, और वो फ्यूचर डेट क्या होगी, रिवर्स रेपो पीरियड का जितना भी टाइम होगा उसके बाद। अब ये रिवर्स रेपो पीरियड भी वही ओवरनाइट होता है जनरली, बट अगर हम टर्म रिवर्स रेपो की बात करते हैं तो उस केस में 7 दिन का हो जाता है जनरली, और ये सारे रेट्स आपको आरबीआई की वेबसाइट से मिल जाते हैं। अब देखिए यहां पे भी हम एक बार समझ के देख लेते हैं कि पहले दिन मान लीजिए अगर ओवरनाइट रिवर्स रेपो की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक 10 करोड़ रुपए उसके पास सरप्लस है तो आरबीआई को दे देगा, आरबीआई कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसको कमर्शियल बैंक को गिरवी की तौर पे रखेगा, कोलैटरल की फॉर्म में दे देगा। सेकेंड डे में कमर्शियल बैंक को आरबीआई 10 करोड़ प्लस 1 डे का रिवर्स रेपो रेट, यहां पे रेपो इंटरेस्ट लिख दिया मैंने गलती से, तो ये रिवर्स रेपो रेट का एडिशनल इंटरेस्ट जो होगा वो भरना होगा, आरबीआई देगा ये बेसिकली कमर्शियल बैंक को और साथ में कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को वापस कर देगा। और यहां पे ये जो हम अगर कैलकुलेशन की बात करें तो 10 करोड़ में यहां पे ये जो 1 डे रिवर्स रेपो इंटरेस्ट रेट है आज की डेट में 6.25% का चल रहा है,
तो अभी हम एक दिन का अगर 10 करोड़ के ऊपर निकालेंगे तो ये करीब आपका रुपीज 17,123 हो जाएगा। तो 10 करोड़ प्लस 17,123 रुपए आरबीआई को देने होंगे अगर कोई रिवर्स रेपो रेट का कोई अग्रीमेंट होता है बैंक के बीच में और आरबीआई के बीच में। अब देखिए यहां पे जो हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहे हैं ये मेनली कमर्शियल बैंक और आरबीआई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जनरली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इन्हीं के लिए यूज होता है, अदरवाइज ये किसी भी बायर एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटीज के बीच में हो सकता है। अब देखिए इस केस में ये बायर है, ये आरबीआई बेसिकली सेलर ऑफ सिक्योरिटीज है, राइट? तो कोई भी बायर एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटीज है वो अगर रिवर्स रीपर्चेज अग्रीमेंट में जाते हैं तो वो आपका हो जाता है रिवर्स रेपो, और अगर वो रीपर्चेज अग्रीमेंट में जाते हैं तो वो नॉर्मल आपका रेपो हो जाता है। तो आई थिंक आपको यहां पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि आरबीआई इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू। आज की डेट में हम सितंबर 2018 की बात करें तो रेपो रेट हमारा चल रहा है 6.5% का, रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 6.25% का। अब मान लेते हैं कि अगर इन्फ्लेशन काफी हाई है, अभी मान लेते हैं कि अगर महंगाई काफी हाई चल रही है और आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है तो क्या करेगा, वो रेपो रेट को बढ़ा देगा और रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ा देगा। तो अगर आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों को पैसा जो आरबीआई से मिलेगा वो थोड़े से हायर रेट पे मिलेगा, क्योंकि अब रेपो रेट 7% हो गया है। तो अगर उनकी खुद का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा भरेंगे तो वो नेचुरल सी बात है कि आगे कंज्यूमर्स को भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग लोन कम लेते हैं, लोन अगर लोग कम लेंगे तो दैट मींस कि वो मनी सप्लाई जो है मार्केट के अंदर वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब लोग सिर्फ अपना सेविंग्स का पैसा खर्च करेंगे, लोन का पैसा उनके पास अवेलेबल नहीं होगा। मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम होगी तो नेचुरल सी बात है लोगों की डिमांड भी कम होगी, चीज़ों की डिमांड कम होगी, स्पेंडिंग भी कम होगी। अब अगर डिमांड कम होती है तो हमें पहले ही पता है कि चीज़ों का प्राइसेस कम हो जाते हैं, प्राइसेस कम होंगे तो नेचुरल सी बात है इन्फ्लेशन कम होगा और महंगाई कम हो जाएगी। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन हाई नहीं है, इन्फ्लेशन अब हम मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन लो है और आरबीआई अब ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहता है, तो ऐसे केस में क्या करेगा आरबीआई, 6.5 की जगह वो 6% का रेपो रेट कर देगा और रिवर्स रेपो रेट भी घटा देगा, 5.75% का लेट से वो कर देता है। तो ऐसे केस में बैंकों की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो नेचुरल सी बात है वो जो फायदा होगा बैंकों को वो कंज्यूमर्स को पास करेंगे। कंपटीशन में एक बैंक भी अगर अपने इंटरेस्ट रेट घटाता है तो सारे बैंक्स को अपने इंटरेस्ट रेट घटाने पड़ते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर कम हो जाएंगे सारे तरीके के लोन के, चाहे हम होम लोन की बात करें, चाहे पर्सनल लोन की बात करें, चाहे हम कोई भी और लोन की बात करें। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा लोन का तो नेचुरल सी बात है लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो मनी सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी लोगों की और इकोनॉमिक साइकिल ज़्यादा तेज चर्न होने लग जाती है। तो ऐसे में आपका जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई हो जाता है। ग्रोथ रेट हाई होता है, डिमांड और स्पेंडिंग भी लोगों की बढ़ती जाती है, तो अब क्या होता है कि प्राइस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ने लग जाता है, क्योंकि अब डिमांड अगर इंक्रीज हो गई है तो नेचुरल सी बात है चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। अब प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आरबीआई का एक यही मकसद होता है कि प्राइसेस वो किसी तरीके से स्टेबल रख पाए और ग्रोथ और प्राइसेस के बीच में एक बैलेंस बना पाए, और इसीलिए वो ये कभी रेपो रेट घटा बढ़ा देता है और कभी घटा देता है, ये बैलेंस बेसिकली बनाते रहना पड़ता है आरबीआई को। तो इस तरीके से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है आरबीआई। ये हो गई अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात। अब इसी तरीके के कुछ और इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जैसे बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर रोज फाइनेंस के इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।